हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है कोमल और आज मैं ये ट्यूटोरियल रिकॉर्ड कर रही हूँ सिर्फ आप लोगों को ये बताने के लिए कि स्किन केयर प्रोडक्ट्स की तरतीब क्या होनी चाहिए। इट बॉदर्स मी टू नो एंड जब लोग गलत तरतीब में अपने महंगे महंगे स्किन प्रोडक्ट्स लगाते हैं, क्योंकि आपको बिल्कुल कुछ फायदा नहीं हो रहा है अगर आप सही तरतीब में नहीं लगा रहे हैं। आई प्रॉमिस यू, ठीक है। अगर आप अपनी स्किन पे तेल लगा रहे हैं तो तेल के मॉलिक्यूल्स इतने बड़े होते हैं कि वो अंदर तक नहीं जज्ब होगा, ठीक है। तो एक खास तरतीब है, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो आप अपना मूड मॉइ, ठीक है। अगर आप सुबह उठे और आपका मुंह साफ है तो यू जस्ट नीड टू वॉश योर फेस विद द फेस वॉश। अगर आप रात में आपकी गन जमा हुई हुई है पूरे दिन की, आपने मेकअप लगाया हुआ है, तो प्लीज 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 यूज अ स्क्रब एंड यूज अ गुड क्वालिटी अल्ट्रा फाइन स्क्रब, क्योंकि इससे एब्रेशंस हो सकती हैं। तो इफ यू हैव लाइक अ दानेदार स्क्रब तो उसको यू कांट यूज इट एवरी डे। माई स्क्रब इज वेरी फाइन सो यू कैन यूज इट एवरी डे। अंदर पोर्स से आपकी गंक निकलेगी और वो गंक निकलेगी तो आपको प्रोडक्ट से बेनिफिट्स मिलेगा। Get it? So now your face is clean. Now if you're going to a party or a wedding or a dinner, तो आप मास्क लगाएं, उससे आपकी जो स्किन है, इट्स स्किन फूड बेसिकली, ये स्किन का खाना है। इसमें नाइसिनमाइड है, इसमें फाल्सा एक्सट्रैक्ट है, एंटीऑक्सीडेंट से भरा हुआ है। इससे आपकी स्किन जो है वो हो जाएगी आई हैड लाइक निहारी टुडे, सो दिस इज लाइक रियली रियली गुड फॉर द स्किन। बट ऑब्वियसली यू कैन यूज इट एवरी डे बिकॉज इट्स वेरी पावरफुल, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। आई यूज इट 2-3 टाइम्स अ वीक, बट आई रेकमेंड दैट यू यूज इट एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक इफ नॉट वंस अ वीक। ओके, अब आपने मास्क धो लिया है, आपकी स्किन क्लीन है, आपका एक कैनवस बन गया है, यू नो लाइक क्लीन कैनवस। अब आप इस पर जो प्रोडक्ट लगाएंगे वो अंदर तक जज्ब होगा। सबसे पहले जो आपको प्रोडक्ट लगाना है वो है सिरम, एनी सिरम। यू डोंट हैव टू यूज माय सिरम बट प्लीज स्टार्ट विद सिरम्स। सिरम्स का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो है स्मॉल 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 हाइपर कॉन्सेंट्रेटेड लिक्विड पानी टाइप का सिरम होता है, राइट। उसको आप जैसे ही लगाते हैं वो अंदर तक जज्ब हो जाता है, क्योंकि उसके इतने छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, इट कैन सीप राइट इनटू द बॉटमस लेयर ऑफ योर स्किन, राइट, एंड इट प्रिपेयर्स योर स्किन फॉर अदर स्टफ, ठीक है। सो यू अप्लाई योर सिरम्स एंड देन यू अप्लाई व्हाटएवर क्रीम्स और मॉइस्चराइजर्स दैट यू हैव। My moisturizer is absolutely beautiful because it's made with rose and daisy extract. It helps with your fine lines, your inflammation, it helps protect you from bacteria, it evens your skin tone out, it removes your suntan. It's just a gorgeous, very luxurious, amazing cream slash moisturizer, right? But you can use whatever moisturizer that you have or whatever cream that you have, but always remember to do it after your serum. Now, serum and moisturizer ke beech mein ek step hai, where if you have your essences or your extracts, then you can apply that right after your serum and just before your moisturizer. But I tend to skip essences because my serum is quite potent. I don't need to add an additional layer, and frankly, I don't have time to do so many layerings because I'm a busy person, I work really hard. And then, after you've done with your cream, the last step is your sunblock. Now, you can go ahead at this point, before your sunblock, to apply whatever oils it is that you love. Pure sweet almond oil is really nice, jojoba oil is really nice, argan oil is really nice, you know, but oils, aap note kare, they just tend to sit on the surface of your skin. So the benefit is, there are a lot of benefits, like it's a natural thing, so it is very good for you, lekin always use it last, theek hai, aur zyada oil nahi lagaye because it'll just sit on your skin, fir aap sunblock lagayenge to wo yun karenge to wo sunblock utar jayega, right? So in the morning, after you've done this entire regime, you apply your sunblock. At night, obviously there's no sun, so you can skip your sunblock and you can go to bed with all these beautiful products on your face. और रात में जो reparation होती है तो crucial, crucial, crucial है. Please do not sleep with makeup on. Do not do that. Okay, you will age early, you will get fine lines early, you will get acne, you will have a lot of skin problems. Do not sleep with makeup on your face. Do not sleep with anything on your face. अगर आप बहुत थके हुए, at least wash your face
before sleeping. It is very, very crucial to do that, okay? Look at me. I take care of my skin. Right now, I'm literally just wearing some concealer, blush, mascara, and a little bit of lip balm. That's all I'm wearing. And woh bhi isliye kyunki main tutorial kar rahi hu. Otherwise, main ye bhi nahi pehnti. Alright, so watch out for more stuff, more informative stuff, more honest stuff coming your way. I will be uploading, trying to upload at least one video a week. In the meantime, thank you so much for all the love and support that you have given Truly Komal. I love you guys.